नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सॉफ्टवेयर क्रैश कोर्स में। दोस्तों, जैसा कि हमने पढ़ा हुआ था कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में कल के लेक्चर में, वो हमारा पार्ट ए था, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट बी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अब देखते हैं दोस्तों अगला ऑप्शन, टॉप एंड बॉटम रूल्स के बारे में। तो इससे पहले हमें क्या करना होगा, इससे पहले मैं आपको एक और अच्छी चीज़ बता देता हूँ दोस्तों। जैसे हमारा ये रखा हुआ है सेलिंग प्राइस, और मैंने इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक हाईलाइट कर दिया। तो जैसे ही मैंने इसको हाईलाइट किया, मुझे इसके अंदर की फॉर्मेटिंग को रिमूव करना है। तो हम कैसे रिमूव करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया रहता है एडिटिंग का, और यहाँ पे दिया रहता है क्लियर का। तो दोस्तों, हमें क्लियर ऑल नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ करना है क्लियर फॉर्मेट, क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई है और हमें एज इट इज़ अपना टेक्स्ट वापस चाहिए। तो हम सेकेंड ऑप्शन को करेंगे क्लिक। देखिए, क्लिक फॉर्मेट्स, यहाँ से सब कुछ रिमूव हो गया एक्सेप्ट टेक्स्ट। तो हमारी जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है वो हमारी बच जाती है, हमारे टेक्स्ट होता है हमारा टेक्स्ट बच जाता है, सारी फॉर्मेटिंग रिमूव हो जाती है बिना किसी प्रॉब्लम के। तो यहाँ से अब देखते हैं, यहाँ इसको मैं हाईलाइट करूँगा वापस। अब जाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, टॉप एंड बॉटम रूल्स, टॉप 10 आइटम्स पूछ रही है। तो यहाँ पे हम करते हैं क्लिक। लेट सपोज दोस्तों, हमें चाहिए टॉप 5 आइटम्स। तो ये टॉप की लिस्टिंग करता है दोस्तों, स्टार्टिंग से लेके एंड तक टॉप की लिस्टिंग करता है। टॉप 5 जो अपने होंगे इस पूरे न्यूमेरिक वैल्यू से, वो सारे यहाँ पे हाईलाइट कर देगा। यहाँ पे हम करते हैं कलर कस्टम के ऊपर, कस्टम पे हम करते हैं ये वाला कलर, यहाँ से कर देते हैं ओके। अब देखिएगा दोस्तों, जितने वैल्यूज थी वो सारी की सारी यहाँ पर हाईलाइट हो चुकी हैं इन पूरे में से। इसके बाद हम चलते हैं वापस, अब हम इसको वापस कर देते हैं क्लियर। देखते हैं दूसरा ऑप्शन, टॉप 10%। उससे पहले हम चाल लेते हैं बॉटम 10 आइटम्स, क्योंकि हमारा 10 आइटम, टॉप 10 आइटम और बॉटम 10 आइटम सिमिलर है, इसलिए हम बॉटम 10 आइटम्स के बारे में पहले जानते हैं। इसमें हम देखते हैं वापस 5, और हम लाइट रेड फिल ही रहने देते हैं इसमें, ओके कर देते हैं। ये देखिए, ये सारे हमारे बॉटम 5 उसने दे दिए। अब आप दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये हमने तो बॉटम 5 का बोला था, लेकिन ये इतने सारे इसने क्यों दे दिए, ये हो गए 3 और 3 6 और 7 8 9, ये टोटल 9 हो गए दोस्तों। तो ये पूरे 9 में से उसने, जब हमने 5 मांगे थे तो उसने 9 क्यों दे दिए, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, सिमिलर वैल्यूज जो भी रहेंगी वो हाईलाइट कर देगा, तो उसको सब कुछ हाईलाइट करना पड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं अबव एवरेज। अब एवरेज से पहले हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं, यहाँ से कर लेते हैं क्लियर फॉर्मेट्स, वापस आते हैं अबव एवरेज। अब अबव एवरेज का मतलब क्या होता है दोस्तों, एवरेज सबसे पहले मैं आपको बताया तो एवरेज निकालते कैसे हैं, जो टोटल नंबर्स हमारे वैल्यूज होती हैं, टोटल वैल्यूज का सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, कितने नंबर हैं वैल्यूज के। लेट सपोज टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हैं 10, और उसका जो न्यूमेरिक वैल्यू दी हुई है उसका सम अपॉन 10 अगर हम करेंगे तो उसका हमारा आता है एवरेज वैल्यू इन सब का, सेलिंग प्राइस का। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अबव एवरेज, जो एवरेज से ज़्यादा है, तो इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे एवरेज से ज़्यादा जो था उसने कैलकुलेट करके यहाँ पर हाईलाइट कर दिया। ये देखिए, हम इसको ध्यान से देखेंगे, और जब हम इसको कैलकुलेशन पर कैलकुलेटर पर करेंगे मैन्युअली, तब हमारे पास यही वैल्यूज आएंगी सेम जो ये हमें बता रहा है। तो देखिए कितना अच्छा यूज़ है इसका एक्सेल का दोस्तों, कितने अच्छे तरीके से ये आपको डेटा क्लियर करके देता है चंद मिनटों में। आगे बढ़ते हैं, फिर आता है हमारा बिलो एवरेज। बिलो एवरेज में भी हम ऐसे ही करेंगे दोस्तों, वापस इसको हाईलाइट करेंगे, इसको करेंगे यहाँ से क्लियर फॉर्मेट। ओ देखिए, यहाँ से जैसे ही मैंने ये गलती से क्लिक कर दिया था, मैंने कंट्रोल प्लस जेड अंडू कर दिया, तो ऑटोमेटिकली मेरे पास पूरा डेटा आ गया। अब हम यहाँ से क्लियर फॉर्मेट कर देंगे, वापस जाएंगे बिलो एवरेज। देखिए दोस्तों, बिलो एवरेज इस बार हमें चाहिए रेड टेक्स्ट से। ये देखिए, ये बिलो एवरेज है, सारे जितने भी बिलो एवरेज न्यूमेरिक वैल्यूज हैं ये सारी उसने हाईलाइट कर दी। चले दोस्तों आगे का देखते हैं, कंडीशन फॉर्मेटिंग में हमारा हाईलाइट हो गया, टॉप हो गया। अब हमारे आते हैं डेटा बार्स। तो डेटा बार्स में हमें क्या करना है, एक्चुअली दोस्तों देखो, मैं पहले आपको बता देता हूँ, जब कभी भी आपकी ऐसी न्यूमेरिक वैल्यू दी होती है, पहले तो मैं इसको भी क्लियर कर लेता हूँ, एक्चुअली मैं पूरे इसको पूरे क्लियर कर लेता हूँ दोस्तों।
क्लियर फॉर्मेट्स कर लेते हैं अपन। ठीक है दोस्तों, अब जैसे हमारे क्वांटिटी या फिर हमारी कोई दूसरी न्यूमेरिक वैल्यू की जब हमारी बात होती है, तब हमें यूज़ करना है एक डेटा बार्स का ऑप्शन आता है हमारा, जो हमें बार्स को डिनोट करता है लाइक दिस। अगर देखिए मैंने यहाँ पे इतना हाईलाइट किया हुआ था, अब अगर मैं सेलिंग प्राइस को या फिर परचेजिंग प्राइस को कर लेता हूँ, देखिए यहाँ पे क्वांटिटी दी हुई है सेलिंग प्राइस और परचेजिंग प्राइस। अगर मैं परचेजिंग प्राइस को हाईलाइट करता हूँ, इसके बाद मैं लगाता हूँ इस पर बार चार्ट्स, तो दोस्तों ये मुझे इतना दे देगा कि बार चार्ट्स एक्चुअली आपको डिनोट करता है कि आपकी कितनी क्वांटिटी में कितनी सेलिंग हुई है और कितनी परचेजिंग प्राइस रही है। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, ये देखिए मैं यहाँ पे करता हूँ रेड वाला, जिसमें यहाँ पर रेड क्लिक किया, ये देखिए इसने ऑटोमेटिकली 11.8, जिसमें सबसे ज़्यादा न्यूमेरिक वैल्यू थी ये देखिए 19.8 सबसे ज़्यादा, इसने बार को यहाँ से यहाँ तक पूरा पूरा बता दिया आपको यहाँ पर, ये देखिए कितना कम इसमें आ रहा है, पूरा बार डिनोट कर रहा है एक एक चीज़। तो क्या है दोस्तों, अगर आप जल्दी जल्दी में देखेंगे, आप बहुत आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आप जल्दी इसको देखना चाहते हैं, तो आपको ये न्यूमेरिक वैल्यू पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली आके आप बार चार्ट को देखेंगे, आप समझ जाएंगे कि किसकी सबसे ज़्यादा परचेजिंग प्राइस है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे का देख लेते हैं। जो कॉलम है इसको हमने बार चार्ट पर अप्लाई किया हुआ था, अब इसी को हम ओवरराइड करके देख लेते हैं कलर स्केल्स पर। अब इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिए जैसे मैं यहाँ पर लाता हूँ इसको, ये कुछ नहीं दोस्तों, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक टाइप की फॉर्मेटिंग है, जो कि आपको क्लियरली मेंशन कराती है कौन सी चीज़ स्पेसिफिक कितने रेट पर है, कितनी इसकी परचेजिंग कॉस्ट है और कितने अमाउंट पे ये बढ़ रही है और घट रही है। तो अगर हम कलर स्केल्स की बात करते हैं, तो देखिए जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ इसके ये तीसरे वाले पर, यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, तो ये देखिए ऐसे मैं क्लिक करता हूँ, ये कितनी अच्छी तरीके से क्लियरली मैंशन हो रहा है कितने अमाउंट पर जा रहा है, इसकी परचेजिंग कॉस्ट कितनी बढ़ रही है 19.8। ये देखिए कलर स्केल से वो से पूरी स्केल को चेंज कर देता है, और यहाँ पे हमारा पार चार्ट इसको ओवरराइड करके बता देता है कि ये इस टाइप का डेटा हमारा बढ़ा हुआ है इस स्पेसिफिक लोकेशन पर, ये देखिए। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा, और अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो गाइज आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। गाइज जाने से पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, और अगर आपको ऐसे ही रेगुलर वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।